हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आया हूँ ट्रू वैल्यू पनवेल, जहाँ पे आपको यूज्ड कार का स्टॉक मिलेगा। तो बेसिकली ये वीडियो में आपको यहाँ के मारुति सुजुकी वैगनार का कलेक्शन बताने वाला हूँ। सो वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक देखो, ताकि आप कोई भी पार्ट मिस ना कर पाए। तो भाई चले देखते हैं यूज्ड कार का कलेक्शन। ये वीडियो में मैं आपको मारुति सुजुकी वैगनार कार का कलेक्शन बताने वाला हूँ। सो वीडियो स्टार्ट से लेके एंड तक देखो, ताकि आप कोई भी पार्ट मिस ना कर पाए। और ये कार्स के अलावा अगर आप चाहते हो स्पेसिफिक वही मॉडल पे मैं वीडियो बनाऊँ, तो आपका रिक्वायरमेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। अगर पॉसिबल है तो मैं आप लोगों के लिए उस कार का वीडियो बनाऊँगा। एक और चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, अगर आप 2.5 लाख, 2 लाख, या मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ 3.5 लाख, ऐसे सब रेंज में वैगनर आती है, तो अगर आप इतना इन्वेस्ट कर ही रहे हो, तो एक बार आप i10 मिलेगी आपको। या फिर उसके अलावा आप निसान की देख सकते हो कार, मतलब कंपेयर टू वैगनर से तो लाख गुना अच्छी है वो। पता है वैगनर को प्रमोट कर रहा हूँ मैं, और बात कर रहा हूँ ह्यूंडई की और निसान की, बट ठीक है ना। मतलब मेरे को ऐसा लगता है सच बोलना ज़रूरी है, वैगनर है गाड़ी नो डाउट, बट ठीक है अभी क्या ही बोलूँ। अभी देखते हैं गाड़ी की डिटेल। दिस वन इज़ मारुति सुजुकी वैगनार, 2010 का मॉडल है ये, सेकेंड ओनर पेट्रोल, और प्राइस कोट करे 2,25,000। ये वीडियो में मैं कोई कहीं भी किलोमीटर मेंशन नहीं कर रहा हूँ। उसके पीछे का रीज़न ये है कि मुझे जो स्टॉक लिस्ट मिली उसके अंदर किलोमीटर मेंशन नहीं था। अब बात करते हैं मैं वैगनार को, मतलब वैगनार ऐसा नहीं, मतलब मारुति को इतना क्रिटिसाइज क्यों करता हूँ। देखो सबसे पहले तो मेरे को मारुति का बिल्ड क्वालिटी ज़रा भी नहीं पसंद, जो है वो है, बट मारुति की वीडियोस में इसके लिए डालता हूँ। ये मंथ में तो भाई 7 से 8 वीडियो डाल रहा हूँ मैं मारुति की, इसके लिए डालता हूँ क्योंकि लोग देखना पसंद करते हैं। और क्यों देखना पसंद करते हैं मुझे तो आज तक नहीं पता। वही प्राइस रेंज में बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आप परचेस कर सकते हो, बट फिर वही है कि टोटली ये आपका कॉल है कि आपको कौन सी कार परचेस करनी है। मैं आपको कार बता सकता हूँ और समझा सकता हूँ, उसके बाद लेना या नहीं लेना वो टोटली आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। ज़्यादा बात नहीं करता हूँ ना तो कंट्रोवर्सी में फंस सकता हूँ। अब देखते हैं दूसरी गाड़ी। दिस वन इज़ मारुति सुजुकी वैगनार, ये भी वैगनार ही है। ये वीडियो में पूरा वैगनार का ही कलेक्शन मैं आपको बताने वाला हूँ। 2014 का मॉडल है ये, सेकेंड ओनर पेट्रोल, और प्राइस कोट करे 3,15,000। और लास्ट में मैं यही बोलूँगा, मारुति सुजुकी बहुत अच्छी गाड़ी है तो जिसको गाड़ी पसंद आती है मैं उनको बुरा लगेगा, सच्ची बोल रहा हूँ दिल से। मारुति सुजुकी एक नंबर गाड़ी है, पसंद है तो लो, और मतलब आप थोड़े अगर दिमाग वाले हो तो फिर रिसर्च करो, बट हाँ अगर आप मारुति सुजुकी फ़ैन हो ज़रा भी मत किसी का सुनो, जो आपने सोचा है वही ले लो। दिस वन इज़ वैगनार, सिंगल ओनर पेट्रोल, 2015 का मॉडल है ये, और प्राइस कोट करे 3,50,000। दिस वन इज़ मारुति सुजुकी वैगनार, सिंगल ओनर, 2013 का मॉडल है ये, और प्राइस कोट करे 2,95,000।
इज मारुति सुजुकी वैगनार 2015 का मॉडल है ये, सिंगल ओनर पेट्रोल और प्राइस कोट करे 3,75,000। दिस वन इज मारुति सुजुकी वैगनार 2014 का मॉडल है ये, सिंगल ओनर पेट्रोल और प्राइस कोट करे 3,05,000। दिस वन इज मारुति सुजुकी वैगनार 2012 का मॉडल है ये, सिंगल ओनर पेट्रोल और प्राइस कोट करे 2,65,000। दिस वन इज मारुति सुजुकी वैगनार 2014 का मॉडल है ये, सेकेंड ओनर पेट्रोल और प्राइस कोट करे 3,05,000। दिस वन इज मारुति सुजुकी वैगनार 2014 का मॉडल है ये, सिंगल ओनर पेट्रोल और प्राइस कोट करे 3,25,000। दिस वन इज मारुति सुजुकी वैगनार 2013 का मॉडल है ये, सिंगल ओनर पेट्रोल और प्राइस कोट करे 2,55,000। यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। और ये डीलरशिप के मतलब ट्रू वैल्यू पनवेल की और भी बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए आने वाली है, स्विफ्ट, स्विफ्ट डिज़ायर, एर्टिगा, उसके अलावा 1 से 4 साल के अंदर की जो कार है, ऐसे सब बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले मारुति सुजुकी पे। मेरे को पता है मारुति सुजुकी के बारे में बुरा बोलता हूँ, फिर भी वीडियो अपलोड करता हूँ क्योंकि भाई व्यूज़ आते हैं यार, लोग देखना पसंद करते हैं। मैं अगर यही होंडा या हुंडई या कोई और ब्रांड पे वीडियो डालूँगा ना, लोग ओपन करके भी नहीं देखेंगे, बट वही अगर मारुति के डालता हूँ ना, लोग ओपन करके देखते हैं।
क्यों देखते हैं मेरे को आज तक नहीं पता, बट मेरा काम है आप लोगों के लिए वीडियो बना के डालना, वो मैं डालता रहूँगा। जिस दिन लोग देखना बंद करेंगे मारुति को, उस दिन मैं नहीं डालना बंद कर, उस दिन मैं मतलब नहीं डालूँगा। तो गाइस यही था आज के वीडियो के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो।